गुड आफ्टरनून आप लोग। 10 से 15 मिनट का सेशन होगा, आप काइंडली आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे चीज़ों को लेकर के। ये जो 5 मिनट का जो वीडियो आप लोगों ने सुना, शायद आप लोग NSIC से वाकिफ हो ही गए होंगे क्या NSIC क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की, जहां बात करेंगे ये भी मिनिस्ट्री ऑफ MSME का एक अंग है और हम लोग के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि MSME DI जो नहीं करती वो हम लोग करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे कहां से आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो पहला जो हमारा स्कीम है मार्केटिंग का स्कीम है, जिसमें रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हम लोग का कहते हैं रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्रेडिट फैसिलिटेशन भी देते हैं और डायरेक्ट क्रेडिट अगेंस्ट बैंक गारंटी भी होता है और एडवांस पे भी होता है। इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं, आयरन स्टील की बात करें, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोल, पॉलीमर, तो डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल से हम लोग सपोर्ट MSME को करते हैं, जो कि लोकल मार्केट से जहां वो प्रोक्योर करते हैं तो एक सेकेंडरी रेट पे उनको जो प्राइस जो होता है उससे मिलता है, लेकिन जहां NSIC से वो जहां लेना चाहेंगे तो उसको एक कंट्रोल रेट पे वो सामान मिलता है। इसके अलावा जो सीक्रेट पॉइंट रजिस्ट्रेशन जो हम लोगों का देख रहे हैं, जिसको GP रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, आप लोग ये जो सेशन चल रहा है इसमें आप लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सप्लाई के लिए भी उत्सुक होंगे कि जहां हम सप्लाई करना चाहेंगे तो वहां पे एक शब्द होता है EMV लगता है, अर्नेस्ट मनी लगता है, तो अर्नेस्ट मनी NSIC के रजिस्ट्रेशन से वो वेव ऑफ हो जाता है, वो अर्नेस्ट मनी नहीं लगता है। लेकिन उसके लिए पहला क्या है कि आपको NSIC में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके ऑनलाइन अप्लीकेशन होते हैं, ऑनलाइन साइट पर जा करके आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको NSIC की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। तो जितने भी सेंट्रल PSUs हैं उसमें EMV आपको वेव ऑफ होता है, उसके बाद और भी सारी चीज़ें उससे जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। कंसोर्टियम और टेंडर मार्केटिंग जो आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं किसी कोई डिपार्टमेंट NTPC की बात करें, एक बड़ी टेंडर वो निकालती है और वो 10 करोड़ 20 करोड़ का टेंडर होता है, लेकिन आपका क्रेडिट वर्थनेस मान लेते 50 लाख का है तो आपको पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए कंसोर्टियम और टेंडर मार्केटिंग से हम लोग वहाँ पर सपोर्ट आपको करते हैं कि एक कंसोर्सियम बना करके 5-6 लोगों का समूह को एक जो NSIC में रजिस्टर्ड ऑलरेडी है और सेम एक्टिविटी में वो काम कर रहे हैं तो उनका कंसोर्सियम बना करके हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जब ऑर्डर मिल जाता है तो उनको काम दिया जाता है, वो अपना काम करते हैं। तो एक ये वे है जहाँ पर हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ई मार्केटिंग और पोर्टल B2B सबसे बड़ी बात है, आज के समय में सभी लोग इच्छुक होते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे ई कॉमर्स तक लेकर के जाए, कर भी रहे हो कितने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अपने प्रोडक्ट को लेकर के गए होंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव जहाँ बात करें कि MSME के लिए तो हमारा MSME मार्ट करके आप गूगल करेंगे या अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें SC ST के लिए जो फी होती है उसमें कंसेशन होता है और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो है वो फी पे कंसेशन है। तो B2B बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट से लेकर के सारी चीज़ें वहाँ पे उस पोर्टल पे अवेलेबल है, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वहाँ पे आपको मिल सकता है। इसके अलावा पार्टिसिपेट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जहाँ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो फी होता है, स्टॉल चार्जेस होता है, उसमें भी रिइंबर्समेंट मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो क्रेडिट सपोर्ट में बात है कि जैसे आप मान लेते हैं कि मटेरियल तो चाहिए लेकिन आपको क्रेडिट फैसिलिटेशन की जरूरत, वहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पे भी NSIC आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट